ये लो जी 60 रुपए की है। और वो दोनों दे दूं? हाँ भाई, वो वाली दिखाना, वो वाली। भाई राम राम। राम राम। तो ठीक है, पैसे बता। पैसे भाई अभी है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा यार। क्या टाइम लगेगा है? अभी दुकानदारी भी नहीं है ना। अभी तो क्या होगी दुकानदारी, तो मैं क्या करूँ दुकानदारी का? नवरात्रों के बाद दे दूंगा आंटी, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, क्या बात है? नवरात्रों के बाद दे दूंगा भाई। अब तेरे नवरात्रों के लिए बैठा रहूंगा मैं, पैसे दे। अरे भैया वो बोल रहे हैं कि दे दूंगा, तो क्या है आप? क्या हो गया आंटी जी, किस तरीके से बोल रहे हो? बात क्या होगी आपके बीच बोल रहे? ये कौन है? कस्टमर है। तो कस्टमर तो सामान लो ना अपना। अरे आपका तरीका है बोलने का? 20,000 रुपए दे। ब्याज ब्याज नहीं लूंगा, ब्याज के मूड में नहीं आया, पैसे दे जल्दी से फटाफट। आंटी एक सेकंड, गरीब आदमी है, दे देगा। हम बन जाए गरीब भाई। तरीके से तो बोलो ना। चलो अभी 2,000 रुपए रख लो यार, और बाकी ये क्या दिखा रहा तू? बाकी 2,000 रख लो, बाकी नवरात्रों खत्म होते दे दो। इनका क्या करूं? नवरात्रों के 20,000 रुपए पूरे चाहिए आज। अरे भैया सीधी बात है, गरीब आदमी दे रही है, रख लो। मैं कुछ भी नहीं रखूंगा, बेइज्जती मत करो यार। सब बंद हो जाएगा फिर यहां से भाई। बंद? अरे मैं नहीं रखूंगा बिल्कुल भी पैसे, मैं नहीं लूंगा भाई। हेलो सुनो, ये पूरे है ना। ना सुनो तो यार, ऐसे मत करो यार। क्या ना करूं, इंसानियत भी कुछ है या नहीं है भैया? इंसानियत क्या देखूं? आप दे दो 20,000 रुपए, आप ज्यादा इंसान है तो मैं देगा। मना तो नहीं कर रहा देने के लिए। मैं कह रहा हूँ सुन, आईफोन करूंगा, मार तो ले जाएंगे तुझे भाई। नवरात्रों के बाद दे दूंगा। अरे नहीं नहीं ना, मुझे इनसे क्या दे? मैं 2,000 है, दो फिलहाल 2,000 से करूंगा भाई, प्लीज। इन्हें पहले दूर रख ले, पहले बता रहा हूँ, इन्हें रख इधर। मैं नहीं रखूंगा 1 रुपया भी। हद हो गई भैया, अक्ल है आपको? पैसा ऐसे फेंक के चिल्लाओ मत अंडे जी, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। आप मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, आपका नहीं लिया मैंने कुछ भी। अरे वो ठीक है, लेकिन पैसे ऐसे फेंकते हैं क्या? तो पैसे लिए नहीं थे क्या? हाँ लिए थे, मैं दे दूंगा, दे दूंगा। वो बोल रहे नवरात्रों के बाद, नवरात्रों तेरे बाप के आगे फिर मारूंगा, फिर अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ये बता दे। आंटी जी इधर आओ, 20,000 रुपये 4 महीने मैंने दिए, ठीक है, इसकी बीवी के सामने दिए, और इन जो घर था 15 दिन में दे देंगे। इनके औकात नहीं है तो लेते क्यों पे? अरे बेटा वो ऐसे क्यों लेते हो? सामान लिया नवरात्रों का, सामान लिया। मेरे को तो कंगला कर रहे हो तुम लोग। दे दूंगा भाई नवरात्रों का भी, दो रख लो प्लीज। सुने ये तो रहे, ये मुझे कॉल करा फिर, रिचार्ज नहीं है इसमें अभी। चल भाई यार फोन मत रख, फोन नहीं दूंगा, फोन नहीं। सुने फोन नहीं दूंगा, पैर पैर में मत पड़, फोन नहीं यार, पैर पैर मत पड़ भाई, फोन नहीं यार, फोन नहीं दूंगा। हिमायती को बुला लीजिए, तुम आ जाने से साथ में। फोन नहीं भाई, फोन नहीं यार, गरीब आदमी भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे आंटी सुना, मेरे अंदर इंसानियत नहीं है, ठीक है? काम है, पैसा हमारा, ठीक है ना? बहुत देर सुन ली तुम्हारी भी रामकथा, अपनी रामकथा जाके सुनाओ किसी और को भाई। फोन दे दो यार, फोन नहीं दूंगा, ये भी उठा के लाओ, ये भी उठवाऊंगा। गरीब आदमी भैया ऐसा करना चाहिए बेटा, देख देख तू समझदार है ऐसे मत। हाँ दादा आंटी, पहले तो देखो मैं लेडीज का मुंह नहीं लगता। अरे बेटा वो ठीक है, तू मेरे बेटे के बराबर उसका मोबाइल दे दे, वो कमा के दे दे। कमा के दे, मुझे मतलब नहीं उस चीज से, ऐसे मत कर बेटा। मुझे मतलब नहीं रहता किसी चीज से, मुझे पैसे का मतलब। बदले मैं तेरे आगे हाथ जोड़ है, गरीब आदमी है बेटा। नवरात्रों में, नवरात्रों के बाद सामान बिकेगा, नवरात्रों में बैठ बैठ उसका सामान निकल जाएगा, फिर वो दे देगा गरीब। टाइम बता कितने दिन का देगा, कितने दिन में देगा टाइम? टाइम बता दे, 15 दिन में पैसे आ जाएंगे पक्का। सुन इन्हें भी रख, मुझे पूरे पैसे चाहिए। इन्हें तो रख लो भाई, कुछ नहीं, तो नहीं, नहीं चाहिए मुझे। सुन मेरे ऑफिस पे आइयो, और सुन अपने कागज ले जियो जो तूने रख के, और अपना सामान ले जियो। लास्ट मौका दे रहा हूँ, ध्यान रख लियो, ठीक है? अपना काम, 9 दिन का टाइम दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है? तुम्हारे वैसे दे रहा हूँ, ठीक है? अब इसे बोलो फिर झूठा है, ठीक है ना आंटी? सुना देना, ठीक है आंटी? आप आ जाओ सामान लेना। क्या है बेटा, क्या सीन है? क्या आंटी, मेरे सामान लिया था तो उसने सारे पैसे लगा दिए। कोई बात नहीं, अब उसने तेरे को माफ कर दिया, ठीक है? तेरा मोबाइल भी वापस कर दिया, अब उसके एक एक पैसे वापस कर दिया। आंटी जी एक चीज बताऊँ आपको, पहले आता है मेरा छोटा भाई है, और ये दुकान ना हमारी नहीं है, अंकल जी की, जो अंकल जी चला रहे हैं उन्हीं की दुकान है। हमने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है? जो लोग ज्यादा गरीब लोग पैसे ले लेते हैं, और जो लोग धमकाते हैं, और लोग पता है उन्हें पिटते रहते हैं, देखते रहते हैं, और कुछ एक्शन लेते हैं, और उसके लिए मैं अपनी गाड़ी में कैमरा लगा रखा था, वो इतनी दूर देखो, ठीक है? और एक माइक गिरा मेरा, और हम रिकॉर्डिंग सारी हो रही है, मेरे पास भी है। और आपने ना बहुत अच्छी बात बोली, गरीबों की मदद करो, एकदम हाँ ठीक है ले लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो उसके लिए एक अच्छा मैसेज भी डाल सकते हैं।